प्रणाम भैया। भैया आप ना बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है उस पर कोई वीडियो बनाइए प्लीज़, सबको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रेटर नोएडा के हमारी एक साथी सुदेश जी ने बहुत ही आग्रहपूर्वक लिखा है कि इन्फ्लेमेशन पर मैं कोई वीडियो बनाऊं। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में सूजन और जलन। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। कई बार शरीर में चोट लगने या किसी तरह के इन्फेक्शन होने की वजह से या कीमोथेरेपी के कारण शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन की समस्या हो जाती है। जब किसी को इन्फ्लेमेशन होता है तो जोड़ों या शरीर में जिस जगह भी चोट लगी हो या कीमो दिया गया हो वहाँ दर्द और त्वचा के लाल होने जैसी समस्या दिख सकती है। कई बार आपको ठंड लगना, बुखार आना, शरीर में एनर्जी लेवल की कमी, सिरदर्द, खाने की इच्छा में कमी, मांसपेशियों का सख्त होना, ऐसे लक्षण नज़र आ सकते हैं। कई बार इन्फ्लेमेशन की समस्या बिना किसी माइक्रोब के हमले के भी बढ़ जाती है। ऐसे में सूजन की समस्या शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, अल्जाइमर सहित कई प्रमुख बीमारियां क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से संबंधित होती हैं। आप भी सूजन जलन की समस्या से यदि आप परेशान रहते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर खाने की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन वो खाद्य पदार्थ करते हैं जो पानी को सोखते हैं। जैसे कि हमारे साउथ इंडियन फूड, ये हमारी बॉडी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसलिए जब भी हम साउथ इंडियन खाएं तो उसके साथ वो फूड ज़रूर लें जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं या पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। साउथ इंडियन फूड के साथ वहाँ का नारियल पानी भी पिएं यदि इन्फ्लेमेशन से बचना है तो। मीठी चीज़ें भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जैसे मीठे सिरप, शरबत, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, स्क्वैश, ऐसी कई चीज़ें जिनके पैकेट पर ट्रांस फैट लिखा हुआ होता है वो हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेट करती है। ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जो तेल चीज़ों को फ्राई करता है वो तेल बाज़ार की चीज़ों में वो बहुत घटिया से घटिया तेल का इस्तेमाल किया जाता है, वो चिकना और गाढ़ा होता है, वही ट्रांस फैट पैदा करता है और शरीर में स्वेलिंग पैदा कर सकता है, आर्टरीज में स्वेलिंग पैदा कर सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है, आपको कैंसर कर सकता है, आपकी जो है डायबिटीज़ बढ़ा सकता है, आपको टीबी कर सकता है, बहुत सारे उसके परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए बाज़ार की तली गली चीज़ें, स्पाइसी खाना, तला गला बहुत ज़्यादा, और ये कचौरी, समोसे, पाव भाजी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती है, ट्रांस फैट बढ़ता है। बहुत से लोग ऑयल के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल लेते हैं, फिश ऑयल कैप्सूल लेते हैं, उसमें मछली का तेल होता है। अगर हमारी बॉडी में इन चीज़ों की मात्रा बिल्कुल उपयुक्त है, अखरोट के सेवन से, अलसी के बीज के सेवन से, तो हमारे को ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ये लेंगे तो इन्हें मतलब जो है फिर बॉडी इम्प्लीमेंट होगी, ये शरीर में सूजन और जलन पैदा करेंगे। तो इसलिए कैप्सूल ना लें ओमेगा 3 फैटी एसिड के, और नेचुरली ओमेगा 3 फैटी एसिड को रिकवर करें। अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अखरोट और फ्लैक्स सीड वगैरह, तो उससे आपकी जो है बॉडी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में ऐसी चीज़ें आती है जिसमें फाइबर नहीं है, वो चीज़ें जो मैदा से बनी है, जैसे ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा आदि, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। अगर
अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो भी शरीर में पानी को सोखता है, प्यास ज़्यादा लगती है और इससे लीकी गट यानी छिद्र युक्त आंत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, सलामी आदि में कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे कि सूजन हो जाती है। इसमें हम चाइनीज़ फूड और पैक्ड फूड, रेडी टू ईट फूड को भी शामिल कर सकते हैं। इनमें हाई सोडियम लेवल होता है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो हाई सोडियम लेवल वाला खाना भी आपको नहीं खाना चाहिए। अचार है ना, जो हम लोग शौक से खाते हैं, लेकिन उसमें भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक होता है। इसके अलावा अगर बहुत अधिक मात्रा में मसालों का सेवन करते हैं उससे भी इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार ये देखने में आया है कि कुछ लोगों को दूध पीने के बाद में भी सूजन का सामना करना पड़ता है, तो प्लेन दूध तो वैसे भी कभी नहीं पीना चाहिए, मैंने हर बार मना किया। दूसरा, ये हमेशा देखिए कि दूध कौन सा है। हमारे देश में 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है और खपत 64 करोड़ लीटर की है, तो 50 करोड़ लीटर दूध बाकी का कहाँ से आया। फिर जिस तरह के दूध के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस हिसाब से जो दूध होना चाहिए वो दूध कहाँ है। तो ऐसे में आप दूध के बजाय क्या पी रहे हैं इसकी भी गवेषणा करिए, नहीं तो ऐसा दूध पीना छोड़िए। और वैसे भी प्लेन दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए, दूध कफ कारक और कब्ज कारक होता है। या तो देसी गाय है, शुद्ध देसी गाय घर में, तो इधर निकाला और इधर पी लिया। और यदि पॉस्चराइज दूध पीना है, गर्म करने के बाद दूध पीना है, तो उसमें हल्दी का जरूर मात्रा डालिए। हल्दी डाल करके उबाला हुआ दूध जो है वो पीजिए, या फिर उसमें मसाला, जो चाय का मसाला और गरम मसाला वगैरह जो हम बताते हैं कि भाई इसमें लौंग, तुलसी, अदरक, मतलब और जावित्री, जायफल वगैरह, ये सब चीज़ें, दालचीनी वगैरह, ये सब कूट करके इनका मसाला बना करके ये मसाला डाल करके दूध वो बॉईल करके पिए। दूध में आधा चम्मच घी डालें यदि देसी गाय है तो, और फिर वो पिए तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ उसके कारण भी सूजन और इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, तो ये ध्यान रखिए। बादाम वगैरह का भी उसमें डाल करके और पी सकते हैं आप। रात के समय में हमें दही, सिट्रिक जैसे चीज़ें जैसे संतरा, नींबू, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, कई बार कई वीडियोस में बताया है कि दोपहर बाद में, दोपहर 2 बजे के बाद में कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग झीमनवार में बड़े बड़े भोजन वगैरह होते हैं और शाम के समय में डिनर के अंदर दही बड़े वगैरह रखते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, कभी भी उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले या तो आप जो भोजन बना रहा है उसको समझा दीजिए, और नहीं तो फिर वो बेकार जाएगा। तो इस कारण से आप हमेशा ये समझ करके चलिए कि दोपहर 2 बजे के बाद में दही का सेवन, छाछ का सेवन वगैरह नहीं करना चाहिए। रात में दही और ये जो सारी चीज़ें हैं इनका सेवन करेंगे तो इससे वाटर रिटेंशन होती है। आप अगले दिन देखेंगे तो आपकी आंखें सूजी हुई हो सकते हैं, आपके हाथ सूजे हुए हो सकते हैं, आपके शरीर में सूजन दिखाई देगी। दो प्रकार के इन्फ्लेमेशन होते हैं, ये भी ध्यान देने जैसी चीज़ है कि दो प्रकार के इन्फ्लेमेशन होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। किसी भी तरह के चोट, इन्फेक्शन के कारण एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, वहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन टाइप 1 डायबिटीज, ल्यूपस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे रोगों के होने पर बढ़ जाता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में रेडनेस, दर्द, सूजन, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में थकान, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कब्ज, डायरिया, गेस्ट्रो इंस्टेटाइनल से संबंधित समस्याएं, सिर दर्द, स्किन पर रैशेस, वजन बढ़ने जैसे लक्षण नज़र आते हैं।
एक्यूट इन्फ्लेमेशन के विपरीत क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं या समय के साथ आते जाते रहते हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि यदि आपको इन्फ्लेमेशन से बचना है तो दिखावा और बाहर का खाना छोड़िए, घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन करिए, अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपका वजन 70 किलो है तो आपको 5 लीटर लिक्विड इंटेक ज़रूर लेना चाहिए। इसी अनुपात में आप इसे देखिए और इन्फ्लेमेशन से बचिए, शरीर में दर्द और सूजन और जलन से बचिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि सुदेश जी का कहना था कि बहुत सारे लोग शरीर में सूजन और जलन से परेशान हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी और लोग समझने की कोशिश कर सकेंगे कि हमारे शरीर में सूजन या जलन क्यों हो रही है और हमें क्या चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए। धन्यवाद।